अरे क्या साहब, आज बहुत लेट हो गया, 4 बज गया सुबह का। नाइट शिफ्ट था क्या? प्राइवेट जॉब में ये हाल होता है, जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। साहब वो चेयरमैन साहब बहुत भड़क रहे थे। क्यों? बोल रहे थे कि आपने अभी तक सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा। हाँ दे दूंगा, क्या भाग जा रहा हूँ? हेलो सूरज सर, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मैं आप ही को फोन करने वाला था। एसीपी सर का शक मुझ पे बढ़ता जा रहा है सर, बाकी ऑफिसर तो ठीक है, अब तो श्रेया भी मुझ पे शक कर रही है। सर उस वक्त अच्छा हुआ कि दया सर ने मुझ पे विश्वास कर लिया, वरना न जाने मेरा क्या होता। सर मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। इससे पहले भी सीआईडी की टीम को तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की है, मगर अंत में क्या हुआ, सब लोग रो ही रहे थे ना। सर प्लीज सर कुछ कीजिए। किससे बात कर रहे हो, डीसीपी चित्रोले साहब से या फिर सूरज से? किसी से नहीं सर। लाओ फोन इधर लाओ। किसी से नहीं। देखो पंकज, हमें ये तो नहीं मालूम कि डीसीपी चित्रोले साहब तुम्हें और सूरज को यहाँ पे क्यों लेके आए थे, लेकिन हाँ सूरज को तो यहाँ से बहुत दूर ले जा चुके हैं वो, और तुम अभी भी हमारे साथ ब्यूरो में काम कर रहे हो, और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा कोई काम करो जिससे आगे चल के तुम्हें पछताना पड़े। सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पंकज हम खामखा परेशान नहीं हो रहे, हम अच्छी तरह से जानते हैं केस के दौरान तुम क्या गुल खिलाते हो। सर अगर आप उस लैपटॉप की बात कर रहे हैं सर, तो वो तो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं था पंकज, वो लैपटॉप तुमने जानबूझ के गिराया था ताकि सबूत हाथ न लगे। देखो पंकज अभी समय है, सुधर जाओ वरना ये सारी बातें हमें एसीपी साहब को बतानी होंगी। सर आप गलत समझ रहे हैं सर, सर मैं बुरा ऑफिसर नहीं हूँ और ना ही मेरे इरादे गलत है। सर सर अगर आप मेरी जगह होते ना तो आपको रियलाइज होता कि मेरी दुविधा क्या है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मैं सीआईडी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आस नहीं आने दूंगा। हेलो क्या जली हुई लाश कहाँ पे? बिल्कुल पूरी तरह से बॉडी जल चुकी है, सिर्फ हड्डियां बची हैं। सब पेल्विस की साइज देखकर लग रहा है कि लाश किसी लड़की की है। लड़की की है? कौन है ये, कुछ बता सकते हो, मालूम है तुम्हें? सर ये जरूर दीप्ति की ही लाश है। दीप्ति? कौन दीप्ति? सर ये इसी बिल्डिंग में रहती है। तुम्हें कैसे पता ये दीप्ति है? सर मैंने पूरी बिल्डिंग चेक की, बाकी सब लोग यही हैं, दीप्ति और उसका पति गिरीश यहाँ पे नहीं है। दीप्ति और उसके पति गिरीश गायब है, क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ कैसे हुआ ये सब, कुछ बता सकते हो? सर बात यह है कि गिरीश अच्छा पति नहीं था, शराब बहुत पीता था और अक्सर शराब के नशे में दीप्ति को मारता पीटता था। सर हम लोगों ने कई बार उन्हें बुरी तरह से झगड़ते हुए देखा है। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। गिरीश छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से मैं दाल ठीक से बनाऊंगी, नमक ज्यादा नहीं पड़ेगा, माफ कर दो मुझे प्लीज। खाना बनाना नहीं आता तो शादी क्यों की? हमें उसकी मदद करनी चाहिए, सीआईडी को फोन करते हैं। अरे एक बार मदद करने की कोशिश की थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। देखा कितना तरस आता है बेचारी पे, जंगली के साथ शादी करके इसकी जिंदगी नरक हो गई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि
ये दीप्ति को उसके पति गिरीश ने मारा है? जी सर। अगर गिरीश ने दीप्ति को मारा है तो बेचारी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, किसी ने कुछ तो सुना होगा। नहीं सर, हम लोगों में से किसी ने भी उसके चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। अगर आप लोगों ने इनके झगड़ों के बारे में हमें पहले ही खबर दे दी होती तो आज शायद एक मासूम जान बच जाती। कौन से माले पे रहती थी ये दीप्ति? सर, ये 8वें फ्लोर पे रहती थी। ये बच्चा दीप्ति का है? हाँ सर, ये बच्चा दीप्ति का ही है। 2 साल की उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। क्या कसूर था इस मासूम का जो इसे इसकी माँ छीन ली गई? बच्चे को किसी अच्छे घर में गोद देने की व्यवस्था करते हैं। क्या कुछ दिनों के लिए आप बच्चे को संभाल सकती हैं? ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। जब आप घर के अंदर आए तो क्या घर का दरवाजा खुला था? नहीं सर, बंद था। हमने बहुत बार घंटी भी बजाई पर किसी ने दरवाजा खोला नहीं, इसके लिए हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। अच्छा, दरवाजा तोड़कर जब आप अंदर घुसे तब दीप्ति के पति गिरीश यहाँ पर नहीं थे, है ना? नहीं सर। ठीक है, अगर आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। रजत, श्रेया, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से देखो, क्या दीप्ति को यहीं पर जलाया गया था या कहीं और? सर। आ रहे हैं। ये 2 मोबाइल फोन्स यहाँ पे मिले। लगता है एक दीप्ति का फोन होगा और एक गिरीश का। जानबूझकर गिरीश ये छोड़कर गया होगा ताकि हम उसका पीछा ना कर सके। और सर ये जगह देखिए, शायद दीप्ति को यहीं पर जलाया गया। लगता तो ऐसा ही है। और फिर यहां से फेंका भी गया होगा। सर, ये केरोसिन का कैन मिला है, दीप्ति को शायद केरोसिन डालकर जलाया गया होगा। अगर मान भी लिया कि दीप्ति को यहां पर जलाया केरोसिन डालकर, पर यहां पर ये पर्दे भी तो हैं, पर्दे पे कोई जलने के निशान नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए दीप्ति भागी होगी ना, दीवारों पर टकराई होगी, फर्नीचर से टकराई होगी, चीखी चिल्लाई होगी, किचन बाथरूम में गई होगी पानी के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी निशान नहीं, ना पड़ोसी कह रहे कि उसने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज भी सुनी। समझ में नहीं आता है क्या हुआ होगा यहाँ पर। सर, हो सकता है दीप्ति पहले से ही बेहोश हो। यस सर, या फिर पहले ही मर चुकी और गिरीश ने सिर्फ उसकी लाश को जलाकर यहाँ से फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि दीप्ति के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये क्या है? फ्लावर वाज, ये तो खून है। फ्लावर वाज पर खून? कहीं इस फ्लावर वाज से दीप्ति को मारा तो नहीं होगा? एक काम करो, घर में देखो कोई लेडीज हेयर ब्रश है क्या, शायद दीप्ति का हेयर ब्रश हो। उसमें से अगर दीप्ति का एक बाल भी मिला ना तो उसके साथ मैच करके देखते हैं, डीएनए मैच होता है। सर, तारीखा एग्जामिनेशन हो गया? हाँ सर, मैं लाश को फोरेंसिक लैब ले जा रही हूँ। ठीक है, चलो। हाँ निखिल, क्या पता चला?
सर इनका कहना है कि इन्होंने कल रात 8 बजे आखिरी बार गिरीश को बिल्डिंग में आते हुए देखा था। बाहर जाते हुए नहीं देखा था? जी नहीं, बाहर जाते हुए नहीं देखा साहब। कल रात को 8 बजे आते हुए देखा मगर बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर गिरीश बिल्डिंग में ही होना चाहिए, घर में वो तो कहीं पर भी नहीं है। सर वो शायद आग की वजह से भगदड़ मची ना, उसी वक्त निकल गया यहाँ से। हो सकता है, बड़ी अच्छी प्लानिंग की है इस गिरीश ने। आप में से किसी को आइडिया है कि गिरीश कहाँ गया होगा? उसका कोई खास दोस्त, कोई रिश्तेदार? सर किसी दोस्त या रिश्तेदार का तो पता नहीं, लेकिन अक्सर उसे मैंने F24 बार में जाते हुए देखा है शराब पीने। F24 बार? रजत, इस F24 बार में जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये आदमी यहाँ आता है शराब पीने? हाँ, ये अक्सर यहाँ आते हैं लेकिन आज आए नहीं है। आज नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे अकेले आता था या इसके साथ कोई और भी आता है? नहीं, एक और आदमी के साथ आता था ये। और वो भी आज नहीं आया? नहीं सर, वो वहाँ अंदर है पहले नंबर टेबल पर ग्रे टी शर्ट में। थैंक यू। क्या बात है, आज अकेले अकेले? तुम्हारा ये दोस्त नहीं है गिरीश? आप लोग गिरीश को कैसे जानते हैं? हम गिरीश के रिश्तेदार हैं, उसके ससुराल से आए हैं। अच्छा, ससुराल वाले, मतलब दीप्ति के सगे संबंधी? नहीं, CID वाले। CID? सर सब ठीक तो है ना? बैठो बैठो। ठीक तो कुछ भी नहीं है। गिरीश कहाँ? सर मुझे नहीं पता, अपने घर पे होगा सर। अगर घर पे होता तो हम तुमसे पूछते। सर वाकई मुझे नहीं पता है, बल्कि आज तो उसने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया सर। अच्छा, गिरीश और उसकी बीवी दीप्ति के बीच में संबंध कैसे हैं? सर बहुत झगड़ा होता है उन दोनों के बीच में सर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उन दोनों ने एक दूसरे में क्या देखकर शादी की। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कि वो दोनों साथ साथ हंसी खुशी रहते हों। गिरीश ने दीप्ति का खून कर दिया। क्या? गिरीश की कोई भी मदद तुम्हें भी मुझे बना देगी। अगर वो तुम्हें कॉन्टेक्ट करता है तो तुम हमें कॉन्टेक्ट करना। और हाँ, दारू पीना छोड़ दो, इससे कोई हल नहीं निकलता। तारिका जरा जल्दी करना। हाँ सर, बस अब भी पता चल जाएगा। DNA मैच हुआ? अरे यार टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता DNA मैच। यार रो मत, उनकी जल्दी चाहिए हमको रिपोर्ट। अरे यार तुम तो घोड़े पे सवार होके आते हो हमेशा। अरे डॉक्टर साहब, एक बार ये पता चल जाए कि लाश दीप्ति की है या नहीं, उसके बाद हम इस केस में आगे बढ़े ना। अरे आगे बढ़ोगे यार, आगे बढ़ोगे, वो कर तो रही है मैच यार। हम लोग वापस चले जाएं? अरे वापस क्यों चले जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ तारीख कर रही है ना मैच यार। ये बात आप पहले भी बता सकते थे ना प्यार से, तो इन्हें कौन समझाएगा। सर ये देखो, आइए। DNA मैच हो गया सर। इस हेयरब्रश पर मिले हुए बाल और फूलदान पर लगा हुआ खून एक ही औरत का है, और ये बॉडी से भी मैच हो रहा है। ये लाश दीप्ति की ही है। ये दोनों भी चीजें हमें दीप्ति के घर से मिली है, तो इसका मतलब है जिसे भी इस फूलदान से मार कर जलाया गया और फिर जिसकी लाश को 8वें मंजिल से नीचे फेंका गया, लाश तो दीप्ति की ही होनी चाहिए। दीप्ति की?
क्या मिला? सर घर पे इसके अलावा और कहीं भी केरोसिन के ट्रेसेस नहीं मिले। इसके अलावा घर में कहीं पर भी केरोसिन के ट्रेसेस नहीं, तो इसका मतलब है दीप्ति को जलाया गया यहीं पर और यहीं से उसे गिरा भी दिया। इस शहर में कोई तो ऐसी जगह होगी जहां सीआईडी ना पहुंच सके। हाँ, ये जगह कुछ ठीक है, कुछ दिन यहीं डेरा जमा लेता हूँ। जानता था कि तुम जरूर आओगी, इस मुश्किल घड़ी में तुम ही मेरा साथ दोगी। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो विशेष, मैं गिरीश। यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं यार, यार मैं फोन पे नहीं बता सकता यार, तुम उसे मिलने। और हाँ हेलो यार, आते आते थोड़े बहुत पैसे भी लेते ना, यही कोई 5-10 हजार। लिख लिख एड्रेस लिख। सर यही वो जगह है जहां गिरीश ने फोन करके मुझे बुलाया था। कौन सी खोली में बुलाया था उसने? खोली नंबर 17। खोली नंबर 17? हाँ सर, लेकिन जब उसने मुझे फोन किया था तो वो काफी घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था, मगर उसने ये नहीं बताया कि बात क्या हुई है। फोन करने के बाद अक्सर मुजरिम डरे हुए ही होते, वरना इतना अमीर आदमी ऐसे चौल में आके क्यों छुपेगा? हाँ सर, हो सकता है। अरे भाई साहब, ये कोली नंबर 17 कहाँ पे है? आगे है। आगे? थैंक यू। सर यही है वो जगह। दरवाजा खटखटा। कौन है? गिरीश, मैं विशेष। उसे दरवाजा खोलने के लिए बोला। दरवाजा खोल गिरीश। कोई और भी है तेरे साथ? यार कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। झूठ मत बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? गिरीश कौन है तेरे साथ, जल्दी बता। तुम पीछे हटो, यहीं रुकना, निकल, दरवाजा तोड़ दो। सीआईडी। पास बताओ मेरे, मैं जेल नहीं जाऊंगा। गिरीश रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ वहीं पे, मैं जेल नहीं जाऊंगा। गिरीश पीछे खतरा है, रुक जाओ। गिरीश रुक जाओ, गिरीश पीछे खतरा है, रुक जाओ। सर हाथ पे जलने का निशान।
शायद दीप्ति को जलाते समय इसके हाथ जल गए होंगे। सर ये केस तो खत्म, दीप्ति मर चुकी है, अब उसका खून ही भी। सर गिरीश तो मर चुका है, इस केस को बंद कर देते हैं, अब सबूत ढूंढ के फायदा क्या है? नहीं पंकज, माना कि ये खूनी मर चुका है, पर जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि दीप्ति का खून इस गिरीश ने किया है, तब तक हम आराम से बैठ नहीं सकते। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि गिरीश यहाँ इस घर में क्यों छुप के बैठा था और ये घर किसका है। चप्पा चप्पा छान मारो इस घर का, चलिए। किसी लड़की की फोटो, लगता है घर इसी का है। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, तो देखो पड़ोस में कोई है क्या। सर ये दोनों पड़ोसी हैं। सर ये फोटो देखिए, आप इस लड़की को पहचानते हैं? ये तो मीनाक्षी है, यहीं पे रहती है। ये यहाँ अकेली रहती है या परिवार के साथ? इस बिचारी का आगे पीछे कोई नहीं है, अकेले ही रहती है ये। आप इसे पहचानते हैं? कौन है ये? कौन है सर? गिरीश नाम है इसका। ये यहाँ पे मीनाक्षी को मिलने नहीं आता था? साहब हमने तो कभी देखा नहीं। अच्छा ये मीनाक्षी कहाँ होगी ये बता सकते हैं? वो तो कल रात ही चली गई। चली गई कहाँ? कुछ बताया नहीं उसने। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। मीनाक्षी यहाँ से सामान लेके चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीप्ति के खून में गिरीश के साथ ये मीनाक्षी भी मिली है? ये फोटो लेके चलते हैं और दीप्ति की नौकरानी गोपी उसे ब्यूरो बुलाओ, देखते हैं वो क्या जानती है इस मीनाक्षी के बारे में। अच्छा तो तुम दीप्ति और गिरीश के घर में काम करती हो? हाँ साहब, बर्तन कपड़ा झाड़ू पोछा सब काम मैं ही तो देखती थी। दीप्ति और गिरीश इनके बीच में संबंध कैसे थे? बहुत झगड़े होते थे साहब, इतना झगड़ा तो मैं और मेरा मर्द भी नहीं करते जितना साहब और मेम साहब करते थे। किस बात को लेकर झगड़े होते थे? छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता था, साहब तो बस बहाना ढूंढते थे दीप्ति मैडम को डांटने और मारने का। अच्छा जिस दिन दीप्ति का खून हुआ उस दिन आप कितने बजे आई थी काम पे? साहब मैं तो सुबह 11 बजे आई थी और दोपहर को 3 बजे सब काम निपटा के चली भी गई थी। सर ये मीनाक्षी का कुछ पता नहीं चल रहा है, ना तो अपने घर वापस आई है ना ही ऑफिस गई। मीनाक्षी गायब है तो दया हो सकता है ये मीनाक्षी मिली हुई है गिरीश के साथ दीप्ति के खून में। हाँ सर बिल्कुल मिली हुई है, ये उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स, पिछले एक महीने में उन दोनों ने एक दूसरे से लगभग 40 से 50 बार फोन पे बात की है। क्या महीने में 40 से 50 बार फोन? इतने फोन तो मैं अपनी वाइफ को भी नहीं करता। सर मुझे लगता है ये गिरीश और मीनाक्षी के बीच ये प्यार का चक्कर चल रहा होगा और उसी वजह से दीप्ति को मार दिया गया। हो सकता है, जैसे मीनाक्षी का फोटो दिखाते। देखो गौर से देखो इस फोटो को और याद करके बताओ, बताओ कि तुमने इस औरत को पहले कभी देखा है? हो सकता है ये औरत गिरीश से मिलने आती होगी या फिर दीप्ति से उनके घर पर। नहीं साहब इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? इसका नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी। हो सकता है तुमने इसका नाम कभी पहले सुना हो, कभी पति पत्नी के झगड़ों में या फिर वो कभी बातें करते थे तभी। याद करो, सुना है? नहीं सर। नहीं सर, हो सकता है गिरीश मीनाक्षी को घर पे तब बुलाता होगा जब घर पे कोई और ना होता। हो सकता है। दया
उस बिल्डिंग के वॉचमैन से पता करते हैं या फिर पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने देखा होगा, है ना? इस लड़की का नाम मीनाक्षी, क्या आप लोगों ने इसे कभी दीप्ति और गिरीश के घर जाते हुए देखा था? हाँ, ये तो अक्सर आया करती थी इनके घर, हफ्ते में 2-3 चक्कर तो लग ही जाते थे इसके। अच्छा, जिस दिन दीप्ति का खून हुआ क्या उस दिन ये लड़की यहाँ आई थी? आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, वो कितने बजे आई थी यहाँ पे? यही कोई हादसे से 2 या 3 घंटे पहले। बाहर कितने बजे गई थी? नहीं सर, बाहर जाते हुए तो मैंने नहीं देखा उसे। सर मतलब दीप्ति के खून में जरूर मीनाक्षी का हाथ है। हाँ सर, उसने और गिरीश ने पहले दीप्ति को मारा और जब यहाँ भगदड़ मच गई तो दोनों दबे पांव भाग निकले। हो सकता है गिरीश और मीनाक्षी के बीच में कुछ प्यार-व्यार का चक्कर हो, इसलिए उन्होंने दीप्ति को मार दिया। इस मीनाक्षी के बारे में सारी जानकारी निकालनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, वो सीआईडी के हाथों बचनी नहीं चाहिए। सर, मीनाक्षी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिल गए हैं। हर महीने कम से कम 40-50 हजार रुपए खर्चा कर देती थी सर ये। 40-50 हजार रुपया हर महीने खर्चा? दया, उसका पगार तो 15 हजार ही है। सर शायद उसके सारे खर्चे गिरीश उठाता था, उसके अपने बिजनेस की वजह से कोई पैसे की तंगी तो थी नहीं उसे। ग्राइंड कैफे। दया, लगता है सबसे ज्यादा विजिट्स इसकी इस ग्राइंड कैफे में होती थी और फिर ये मीनाक्षी वहां पर गिरीश से ही मिलने जाती होगी। हाँ सर, जिस दिन दीप्ति की मौत हुई 13 तारीख को, उस दिन भी ये ग्राइंड कैफे गई थी। उस दिन भी वो ग्राइंड कैफे ही गई थी। तो फिर दया, इस मीनाक्षी तक पहुंचने की रेसिपी इस ग्राइंड कैफे में ही मिलेगी। ग्राइंड कैफे। सर, मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट के सैंडविचेस बड़े टेस्टी है, क्या बोलते हैं? मंगा ले तो प्लेट, काम का काम हो जाएगा, पेट पूजा की पेट पूजा हो जाएगी। हमेशा भूख लगी रहती है, पहले काम करो। सीआईडी। सीआईडी? आपसे कुछ सवाल करने हैं। मगर हमारा रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है, पिछले महीने फूड इंस्पेक्टर ने भी हमको A+ सर्टिफिकेट दिया है, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप जरा ये फोटो देखिए, मीनाक्षी नाम है इनका, इन्हें पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये तो हमारी रेगुलर कस्टमर है, अक्सर यहाँ कॉफी पीने आती रहती है। ये अकेले आती थी यहाँ पे या फिर इसके साथ कोई और भी आता था? वो अपने एक दोस्त के साथ आती थी, दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, वो प्रेमी कहीं ये तो नहीं है? हाँ जी सर, यही तो है वो। आप सीआईडी वाले भी कमाल हो, सबकी खबर रखते हैं। आखिरी बार कब देखा था इन लोगों को? यही 2-4 दिन पहले। अच्छा, इनके बीच में क्या बात हो रही थी, कुछ अंदाजा है, कुछ सुना आपने? मैंने तो क्या, पूरे रेस्टोरेंट ने सुना। दोनों पहली दफा झगड़ रहे थे और चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। बस गिरी, अब बहुत हो गया, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? इसे मेरी धमकी समझो, चाहे विनती चाहे मेरी चेतावनी, पर जो मैं चाहती हूँ अगर पूरा नहीं हुआ तो तुम गए काम से। थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी गिरीश से ऐसा कौन सा काम कराना चाहती थी? सर, इस केस के साथ मीनाक्षी का कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है, इसीलिए दोनों के मरने के बाद वो किसी घोंसले में जाके बैठ गई है। पता लगाना पड़ेगा फ्रेडी, वो घोंसला उसने कौन से पेड़ पे बनाया है। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं फ्रेडी, कोई बात नहीं, बस केस के बारे में सोच रहा था। नहीं नहीं सर, कुछ और बात है। बताइए ना, मैं किसी से नहीं कहूंगा, प्रॉमिस? मैं नहीं, कुछ भी नहीं फ्रेडी। कुछ तो है सर, प्लीज बताइए।
खड़ी है। तो वो सलोनी याद है? सलोनी, सलोनी आंखें खोलो, सलोनी सलोनी आंखें खोलो, सलोनी। हाँ, इसका नाम सलोनी है, इसका सपना सच है। और ये प्रशांत, सलोनी उसका पति। हाँ आज ठीक 1.5 साल हो गए उसे मेरी जिंदगी से गए, लेकिन आज भी उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। उसकी वो मासूम आंखें मुझे सोने नहीं देती, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूं, उसके पास तो मेरी यादें भी नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में सचिन नाम का कोई इंसान आया भी था कभी। उससे बदनसीब कौन हो सकता है? बीते हुए कल की अतीत में रहकर खुद को कितना तकलीफ देते रहेंगे। आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाइए सर, और देखिए जिंदगी कैसे बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। बड़ी, तुमसे बात करके दिल थोड़ा हल्का हो गया। इट्स माय प्लेजर। आइए सर। ये रहा विशेष, ये कह रहा है कि ये नहीं जानता कि मीनाक्षी कहाँ है। देखो विशेष, मीनाक्षी का फोन बार बार बंद आ रहा है और हमें उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मीनाक्षी कहाँ है साफ साफ बताओ, वरना बहुत बुरा होगा। सर मैं आपके इस ऑफिसर से 50 बार बोल चुका हूँ सर, मुझे नहीं मालूम मीनाक्षी कहाँ है। कैसे नहीं मालूम? कैसे नहीं मालूम? गिरीश के सबसे अच्छे दोस्त थे तुम, और तो उसके बिजनेस पार्टनर भी। तो फिर तुम्हें कैसे नहीं मालूम? गिरीश के बाद मीनाक्षी को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो तो तुम्हें ही कॉन्टेक्ट करेगी ना। क्यों? मीनाक्षी ने मुझे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया सर, और अगर वो मुझे कॉन्टेक्ट करेगी तो मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा। सर मैं ही आपको मीनाक्षी की चौल तक लेकर गया था, और मैंने ही गिरीश तक आप लोगों को पहुंचाया था सर। सर पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से उसकी मौत हो जाएगी सर। देखिए गिरीश की मौत एक हादसा है, और उसकी मौत अपनी गलती से हुई है, नीचे गिरने से, और उसका दोष आप हमें मत दीजिए। देखिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, पर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वैसे भी इस केस के शुरुआत से ही मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ सर, और आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं सर। वो तो मीनाक्षी के ऑफिस वालों से पता चल ही जाएगा अभिषेक जी, कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। क्या मीनाक्षी ने खून किया है? जी हाँ, और अब वो फरार है। नहीं सर ये नहीं हो सकता, मीनाक्षी किसी का खून नहीं कर सकती है सर। क्या तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? मीनाक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है, आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। जिस तरीके से तुम मीनाक्षी की वकालत कर रहे हो, कहीं कोई खास लगाव तो नहीं है तुम्हारा मीनाक्षी के साथ? हाँ सर ये सच है कि मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मीनाक्षी किसी और से प्यार करती। क्या नाम है आपका? अरविंद। मिस्टर अरविंद, फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि मीनाक्षी किससे प्यार करती है। हाँ वो एक शादीशुदा आदमी, उसका नाम गिरीश है। मैंने मीनाक्षी को बहुत समझाया, लेकिन उसने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया। तुम्हें मालूम है गिरीश की पत्नी कौन है? नहीं सर। दीप्ति, वही जिसका खून हुआ है। ये है उसकी फोटो, कभी देखा इसे मीनाक्षी के साथ? हाँ ये कुछ दिन पहले आई थी, मंगलवार को मीनाक्षी से मिलने ऑफिस में। क्या क्या बातें हुई इनके बीच में आपको मालूम? बातें तो मैंने नहीं सुनी सर, लेकिन हाँ मीनाक्षी ने दीप्ति को एक लिफाफा दिया था पीले रंग का। क्या था उस लिफाफे में? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो लिफाफा काफी बड़ा था। उसके बाद? हाँ उसके बाद दीप्ति ने कहा कि वो वैशाली नगर जा रही, वो बाहर से ऑटो लेके निकल गई। अच्छा जब ये लोग बात कर रहे थे तो उनका अंदाज कैसा था? आई मीन लड़ झगड़ रहे थे, गुस्से में थे, या फिर? नहीं सर वो तो दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। इनफैक्ट मीनाक्षी ने तो जाते वक्त उसे गले भी लगाया था,
और कहा था कि वो जल्द ही मिलेंगे। अच्छा, तो दोनों दोस्त हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगता है सर, उस लिफाफे में क्या हो सकता है जो मीनाक्षी ने दीप्ति को दिया? कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से ये सारा बवंडर मचा हुआ है। लेकिन ऐसा पीला लिफाफा दीप्ति के घर में मिला नहीं है सर। कहीं इस दीप्ति के दो दो घर तो नहीं है? अरविंद कह रहा था ना कि दीप्ति वैशाली नगर की तरफ गई थी, जबकि उसका घर श्याम नगर में, बिल्कुल उल्टी दिशा में। ऑफिस के बाहर जो ऑटो स्टैंड है वहां से पूछते हैं, मंगलवार को ये दीप्ति एग्जैक्टली गई कहां थी। वो जो सामने स्टैंड है, दीप्ति ने यहीं से ऑटो लिया। एक काम करो, तुम उस तरफ से पूछो, मैं इधर देखता हूँ। सुनो, ये लड़की मंगलवार को तुम्हारे ऑटो में बैठी थी क्या? सुनो भाई, इस लड़की को पहचानता? नहीं। अरे सुनो, मंगलवार को ये लड़की तुम्हारे ऑटो में बैठी थी क्या? हाँ साहब, बैठी थी ना। बड़ी झगड़ालू लड़की है। अच्छा, किसके साथ झगड़ा किया इसने? साहब किसी और के साथ क्या, मेरे साथ ही झगड़ा किया। कहने लगी कि तुम्हारा मीटर बहुत तेज है। अब मैं बोला क्या मैम, आज ही नया इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवाया है, ये तेज कैसे हो सकता है? छोड़ा कहाँ था इसे? साहब पप्पू घोड़ा चौल में। पप्पू घोड़ा चौल, दीप्ति रिक्शा में बैठ के यहाँ पे आती थी इस चौल में। सर मगर दीप्ति का इस जगह क्या काम, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ आने की वजह क्या है वो तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। सब काम पे लग जाओ। सर आसपास कहीं देखा? जी नहीं। यहाँ पे किसी मिलने आते? दीप्ति की नौकरानी गोपी यहाँ क्या कर रही है? हेलो निखिल, तुम सब पीछे वाली गली में आओ जल्दी। सर लगता है गोपी इसी चौल में रहती, इसलिए दीप्ति यहाँ उससे मिलने आई होगी। बड़ी अजीब बात है, मैंने ऐसा बहुत कम सुना है कि अपने घर पे काम करने वाले लोगों से मिलने के लिए कोई उनके घर जाता है। सर हो सकता है दीप्ति के खून में मीनाक्षी के साथ साथ गोपी का भी हाथ हो। अभी पता चल जाएगा। कौन? दरवाजा खोलो। आप लोग यहाँ? लगता हमें यहाँ देखकर मैं ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अंदर आइए ना, आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए, चाय हम आपको पिलाएंगे जेल में। जेल में? जी हाँ, दीप्ति का खून किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं मैडम जी को क्यों मारूंगी? मीनाक्षी के कहने पे। देखो सच सच बताओ, दीप्ति यहाँ पे आती थी ना तुमसे मिलने के लिए? मरने से पहले यहाँ पे आई थी ना वो? हाँ साहब आई थी, वो अपनी अमानत रखना चाहती थी मेरे पास। कैसी अमानत? एक मिनट। ये लीजिए। सर ये तो वही पीला लिफाफा है जिसके बारे में हमें मीनाक्षी के ऑफिस में मालूम पड़ा था। हाँ शायद इसलिए मैं दीप्ति के घर पे नहीं मिला। इतने सारे पैसे, कम से कम 40-50 हजार रुपए होंगे। साहब मुझे नहीं पता इसमें पैसे हैं। मुझे तो दीप्ति जी ने लिफाफा दिया था, कहा था संभाल के रखना, कुछ दिन बाद मीनाक्षी आएगी और ये लेके जाएगी, और वो चली गई थी। इसका मतलब तुम मीनाक्षी को पहले से ही जानती थी और तुम ब्यूरो में हमसे झूठ बोल रही थी। हाँ मैडम जी, मैं डर गई थी, मैंने सोचा मैं फंस जाऊंगी इस सब में। सर ये केस तो जलेबी की तरह एकदम गोल गोल घूमता जा रहा है।
ये मीनाक्षी पैसे लेने के लिए कब आने वाली है? उसका फोन आया था, वो आज रात 12:30 बजे आ जाएगी। आज रात 12:30 बजे? ठीक है, अब तुम वो करो जो हम कहते हैं। गोपी, गोपी जल्दी से दरवाजा खोलो। कौन? मैं, मीनाक्षी। और कौन? जल्दी से वो लिफाफा दे दो। हाँ जल्दी करो। ये लीजिए। तुमने ये लिफाफा खोला तो नहीं ना? नहीं। ठीक है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मीनाक्षी। जलेबी खाओगी? रिकॉर्ड के लिए खेद है मीनाक्षी जी। कहाँ भाग रही? कहाँ भाग रही? तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। तुम चाहे तो ये सब पैसे ले लो, मगर मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। दीप्ति, सीआईडी बिकाऊ नहीं, समझी? हाँ, ये पूरा का पूरा प्लान मेरे ही बनाया था। मैं ही हूँ कानून की असली मुजरिम। मुझे लगा कि गिरीश को मारकर उसकी पूरी दौलत मेरी हो जाएगी। और मीनाक्षी को तुमने अपने प्लान में मिला लिया। मीनाक्षी गिरीश से प्यार करती थी ना? कोई प्यार व्यार नहीं करती थी वो सिर्फ और सिर्फ गिरीश के पैसों से प्यार करती थी। और इसीलिए मैंने उसे कहा कि गिरीश को मार डालते हैं और उसकी दौलत दो हिस्सों में बांट लेंगे, आधा उसका और आधा मेरा। मगर उसे क्या पता था कि तुम्हारे दिमाग में सारा माल अकेले हड़पने की प्लानिंग चल रही है? नादान थी वो, मेरे इरादों से बिल्कुल अनजान थी वो। उसे लगा कि मैंने उसे घर बुलाया है गिरीश को मार डालने के लिए। वो नहीं जानती थी कि वो खुद ही मरने वाली है। जला दी। दीप्ति, दीप्ति, शराब के नशे में धुत मेरे पति को ये भी नहीं पता चला वो दीप्ति थी या मीनाक्षी। दीप्ति, कायरो की तरह वो वहां से भाग गया।
और फिर मैंने मीनाक्षी की लाश को बालकनी से बाहर फेंक दिया और फिर मैंने आत्मा बनकर गिरीश को डराया। वो डरकर भाग गया और आप लोगों से बचते बचते वो खुद ही अपनी जान गवा बैठा। पर तुमने मीनाक्षी से पैसे लेकर वो पैसे अपनी नौकरानी को क्यों दिए? क्योंकि मुझे उसके सामने दुखियारी बीवी की एक्टिंग करनी थी और इसीलिए मैंने उससे पैसे उधार लेने का नाटक किया और वही पैसे नौकरानी को दे दिए। माना कि तुम्हारा पति तुम पर अत्याचार करता था, शराब पीता था और तुम्हें मारता था, पीटता था, पर तुम कानून के पास जा सकती थी, कानून का सहारा ले सकती थी, कानून उसे रोक सकता था। हम यही चाहते हैं कि जो भी पति अपनी पत्नी पर अत्याचार करे उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मगर तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया। नतीजा क्या हुआ? नुकसान करवा लिया ना तुमने अपना ही। कभी अपने बेटे के बारे में सोचा तुमने? कभी ख्याल आया उसका? ये नहीं सोचा, ये सब करने के बाद जब तुम पकड़ी जाओगी, जेल में जाओगी, तब उसका क्या होगा? मुझे क्या पता था कि मैं पकड़ी जाऊं? मुझे लगा कि मैं सारी दौलत लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी अपने बेटे के साथ? हो गई शुरू तुम्हारी नई जिंदगी, पर जेल में। अफसोस, अपने बेटे के लिए भी तुमने एक नई जिंदगी शुरू करवा दी, मां बाप के बिना की जिंदगी। जब तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर तुमसे सवाल करेगा कि मां बताओ क्यों वंचित रहा मैं मां बाप के प्यार से अपने बचपन में, तब क्या जवाब दोगी? बताओगी सच्चाई? नहीं ना? बहुत गलत किया तुमने दीप्ति, बहुत गलत किया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.